पहले हमारे अशफाक भाई से बात कर लेते हैं। हमारे अशफाक भाई दोबारा आए। जी अशफाक भाई, जी हेलो, आवाज आ रही है? हेलो अशफाक। अशफाक भाई, म्यूट पे हाँ हो? भाई, आवाज आ रही है? हेलो हाँ आ रही है। जी, बताए। अरे जनाब, आपको बताना है, आप हमें जवाब दिए बिना चले गए थे। जी, थोड़ा मेरा इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था तो मैं चला गया था। तो भाई क्या जवाब है आपका? क्या इमाम बुखारी, अम्मा आयशा, ये सारे के सारे जहन्नुमी लोग हैं? और जरा इस टॉपिक पे तो मैंने काफी तफसील से बात की थी, अब कोई दूसरा टॉपिक छेड़े। अच्छा, अरे यार, आपने प्याले भाई जवाब नहीं दिया ना। जवाब मेरे ये जवाब जवाब अगर को आप दोबारा किसी सुन चीज लो। ये पर, सारी सारी आपके हर हर जो होता है डाउट्स का मैंने जवाब दिया है बड़े तफसील से। जी नहीं दिया आपने, आपने आपने ना इधर उधर छलांगे मारी है, आपने जवाब नहीं दिया। अगर मैं आपसे पूछूं अच्छा, कि भाई अनार एक के बार दाने फिर से कैसे दिखते पूछिए। हैं, सुनो ना अशफाक भाई, अगर मैं आपको पूछूं कि अनार के दाने कैसे दिखते हैं, आप मुझे बोलो आम तो लाल होते हैं, आम तो पीले होते हैं, केले केले पीले होते हैं, ठीक है, सेब तो लाल होते हैं। भाई मैं अनार का पूछ रहा हूँ। आपने मुझे दुनिया भर की सारी चीजों के बातें मुझे बताई हैं, लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। और जनाब, मैंने हर आपके जो एतराजात थे सबका मतलब तफसील से जवाब क्या दिया था। जवाब आप दिया फिर था से आपने? स्क्रीन क्या सुन, आप स्क्रीन जवाब को दिया था आपने? वापस भाई बैक करके सुन ले। समय जो आपने आपने है जवाब ही नहीं दिया ना यार। एक बार और दे दे, क्या अम्मा ऐसा सबका जहन्नमी है? टाइम खोटी ना करे भाई, तो पहले इसका जवाब दे नहीं, दिया जनाब। आप एक बार और देखें, सारे के सारे जानना चाहते हैं, हमारे पैनलिस्ट भी जानना चाहते हैं, ऑडियंस भी जानना चाहती है, क्या अम्मा बिल्कुल ऐसा जहन्नमी है? तो नहीं। अम्मा ऐसा ने हुजूर को लेके कोई झूठ नहीं घड़ा? आप अम्मा ऐसा को क्यों बार बार ला रहे हैं? ये बुखारी जी की बात हो क्योंकि रही है, ये हदीस बुखारी। अम्मा ऐसा से आई है। इस हदीस की रावी कौन है? अम्मा ऐसा। अरे, बुखारी साहब कुछ भी लिख देंगे, अम्मा ऐसा का हवाला देके लिख देंगे, तो क्या उसको अम्मा ऐसा नहीं कहा होगा? कैसी बात करते हैं फैज भाई इसका मतलब है कि आप इमाम तो। बुखारी जहन्नमी है, अम्मा ऐसा बेकसूर है। मैं कह रहा हूं कि उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बुखारी साहब को ऐसा हो सकता है, बहुत चले, सारे तो वजाहत हो सकते हैं। इमाम बुखारी ने मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुजूर के ऊपर एक झूठ घड़ दिया, आप ये कहना चाहते हो? मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उन्होंने जो होता है उस चीज को मतलब उतना कॉन्फिडेंस के साथ, मैं नहीं मानता कि ये बात सही होगी, क्योंकि जो कुरान में बात लिखी गई है वो 100% राइट है, क्योंकि वो अल्लाह का तो कलाम है। इमाम तो बुखारी ने ये झूठ अजीब, गढ़ा। जरा मैंने बोल दिया था कि हाँ, मैं इतना बोल तो के इमाम गया बुखारी था। जहन्नमी है। तो आप किस बुनियाद पे कह सकते हैं कि वो जहन्नुमी है? क्या आप यार क्योंकि सर्टिफिकेट मेरे बांट पास रहे हो हदीस क्या? है, मैं आपको हदीस का हवाला देता हूँ, ये ले मैं हदीस तो ले। कह रहा हूँ कि सर, हदीसें जयीफ भी हो सकती हैं, हदीसें सही भी होंगी। मैं सही हदीस हदीसों देता हूँ ना प्याले भाई, ऐसे कैसे मैं आपको ज़ईफ़ हदीस थोड़ी ना दूंगा यार। मेरा प्याला भाई, मेरे भाई, ये हदीस सुनो हो गया। सुनो सुनो सुनो, हदीस पे मेरा ईमान नहीं है, मेरा ईमान कुरान पे है, कुराने पाक पे है। ठीक है, तो तो आप बार आप बार हदीसों को हदीस, नहीं कोई मानते, बस कुरान को मानते हैं? भी हदीस अगर कुरान की आयत के सामने आके टकराएगी, मतलब जैसे हाँ थॉट प्रोसेस होंगे दोनों के कॉन्सेप्ट में टकराएगी, तो वो हदीस जो होता है जीरो हो जाएगी, नाडा जीरो। ओके कोई नहीं, जी, मैं आपको ऐसी हदीस देता हूं जो कुरान की किसी भी आयत से नहीं टकराएगी, फिर चलेगा आपको? आप कुरान से बात करें सर, आप कुरान शरीफ से बात करें, तो क्यों यार हदीसों पे अपना टाइम बर्बाद आपने करना? कहा ना प्यारे भाई, आपने क्या बोला कि मैं उन हदीसों को नहीं मानता जो कुरान से टकराए, तो मैं आपको ऐसी हदीस देता हूं जो कुरान से नहीं टकरा रही और सही हदीस है, फिर तो मानोगे? तो चलिए, तो कम से कम आपने माना ना कि जो पिछला वाला जो आपने जो जो था मिसाल दी थी, पहले जो पहले वो हदीस, कुरान से पहले टकरा गई। हदीस, पहले हम इमाम बुखारी को जहन्नुम में दफन करेंगे, उसके बाद हम आपके सवाल पे आएंगे।
अब बिल्कुल आप हमें कुरान से दिखा दें कि इमाम बुखारी साहब जो होते हैं जहन्नुमी है, मैं आपकी बात मान लूंगा, दिखाएं कुरान से। जी अरे प्याले भाई, जी आप हदीसों को मानते हैं या नहीं मानते हैं? मेरा हदीसों पे 100% ईमान नहीं है भाई, मैं कुरान पे मेरा 100% ईमान है कितना परसेंट हदीसों में ईमान है ये बताओ। भाई। मैंने कोई चेक नहीं किया है, लेकिन अब मुझे बहुत जगह जो होता है वो डाउटफुल लगते हैं, बहुत जगह जो हदीसों होता पे, है हदीसों पे कितना परसेंट ईमान है? परसेंट मुझे नंबर बता दो, इतना परसेंट। भाई मेरे पास कोई क्या मतलब डिजिटल मीटर लगा है क्या कि जो मैं बताऊंगा कि यार इतना आपने, परसेंट है। आपने प्याले भाई कहा मेरा 100% ईमान है कुरान पे, आपने 100% वहां पे दे दिया, हदीसों को कितना परसेंट देंगे? 50-50 चलिए 50-50, 50-50 में वो हदीसें आती हैं जो सही हैं और जो कुरान से ना टकरा है। हाँ भाई, कोई भी हदीस जो है कुरान चले से अगर टकरा रही है डाउटफुल। हाँ, ये आपके सामने सही हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, और ये हदीस कुरान से नहीं टकराती। पता है आप लोग कुरान पे बात नहीं कर पाओगे क्योंकि उसमें उस जैसी कोई नहीं, पहले भी किताब ही हदीस नहीं है पढ़ने दो। आपको। कुरान जैसी कोई एक एक मिनट आयत चले, बना दो। एक मिनट। अशफाक, अशफाक भाई, अभी जो शुरुआत हुई थी कि अल्लाह बोल रहा है कि भाई आप अपनी जुबान को मतलब इतनी हरकत में ना लाएं, इसका याद कराना, इसका जमा करना हमारे जिम्मे है। तो इसका मतलब अल्लाह ने हुजूर को कुरान याद कराई थी, ठीक है, बेशक या अल्लाह जो है हुजूर को कुरान याद दिलाने की, याद कराने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा है, ठीक है। जी, हाँ, अब जरा 206 पेश करो उनके लिए। सर ओके जी। मैं पूछ रहा था क्या आप एक्स मुस्लिम है ना? जी 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 हजरत, क्या एक्स मुस्लिम का डेफिनेशन बताएं सर। अब जब इतना नहीं पता तो फिर अब और नहीं बता पाएंगे भाई। नहीं, आप अब मुझे एक देखें, लाइन में बताइए। अब देखें, अरे रुको ना, ये देखो आयत आ गई आपके आप सामने, तो अपनी ठीक। आइडेंटिटी भी नहीं बता सकते भाई कि आप मतलब एक्स मुस्लिम है, तो उसका मतलब क्या हाँ, है? हम एक्स उसका मुस्लिम प्रूफ इसलिए क्या? हैं भाई कि पहले हम मुस्लिम थे, अब हम मुस्लिम नहीं हैं, ठीक है। क्यों नहीं है? अच्छा, एक और सवाल है, उसके बाद कितने और सवाल बाकी हैं अरे बताते जाओ भाई। भाई? 206 आपके सामने है, पहले से बात कर लेते हैं, उसके बाद आप इंटरव्यू ले लेना इससे मेरा, ठीक है। बहुत तफसील से बात होगी, मैं हर बात साफ करता हूँ, लेकिन आप बताएं आपने क्यों छोड़ दिया? ऐसी चले दिल चले, किया मैं छोड़ आपको दिया। बोलता हूँ। दीनी भाई, दीनी भाई, इनके सवाल का जवाब इस आयत में छुपा है। दीनी भाई ने इस्लाम क्यों किया छोड़ा, छोड़ उसकी दिया, वजह इस आयत में छुपी है। अब दीनी भाई आपको पढ़ के दिल बताएंगे। किया हाँ दीनी छोड़ भाई, दिया। तो कल को अगर आपका दिल करेगा अपनी बहन पर चढ़ने के लिए तो चढ़ जाओगे। वाह वाह भाई, मतलब आप इस्लाम में रुका हुआ है वरना आपकी बहन बचती है यहाँ से। देखिए, हाँ आदमी आमतौर देखिए, पे मिसाल उसी तरह की देता है जिस तरह की उसकी सोच होती है। क्या करते हो अशफाक भाई, चले आप हम इस पर लोग आए तो जो बात करें। परपंच, ये जो परपंच कर रहे हो ना, इसका रिजल्ट जीरो है। आप लोग पत्थर पे सर पीट रहे हो, समझ रहे हो? कुछ वो तो नहीं हमें कर पता है, हमें पाएगा। पत्थर होते हैं, एक लेकिन सेकंड, क्या करें, आदत से दीनी भाई, मजबूर है दीनी भाई। भाई, अरे वो बहन पे चढ़ने वाला है। एक बार और अशफाक भाई, आप अपनी सगी बहन पे क्यों नहीं चढ़ते? उसकी वजह क्या है? हमारे कुरान उसकी दलील है भाई, हाँ, इसका बस। मतलब ये है कि आपको कुरान ने रोक के रखा है, वरना आप अपनी सगी बहन पे चढ़ जाते। कुछ भी फाइनल रिजल्ट ये हो रहा है ना कि आप अपनी बहन पर नहीं चढ़ पा रहे हो क्योंकि आप कुरान पे ईमान रखते हो, बस रिजल्ट आपका पॉजिटिव है ना। अच्छा, जो कुरान पर मतलब ईमान नहीं रखते, कुरान पर जो ईमान नहीं रखते, ठीक है, वो अपनी बहनों पर चढ़ जाते हैं। मतलब नहीं, कुरान कब आया? 1400 साल पहले, उसके आप पहले जितने भी नबी थे अपनी बहनों पर चढ़ते थे ना। जमाना है जहिलियत था उसके पहले।
हाँ तो जमाने जाहिलियत में नबी वगैरह आते थे ना, कुरान आने से पहले बहुत सारे नबी आए हैं, वो अपनी बहनों पे चढ़ाते थे आप ना। समझे, दीनी भाई ने बोला कि मेरा मन किया ना है ना, तो इधर मैंने उधर नहीं, छोड़ दिया, तो इधर उधर नहीं। चलो मैंने कुरान की बात, कुरान की बोला बात आपने कहा है कि ना, अगर कुरान जब आपका तक मन नहीं आया था, करेगा तो जब ऐसा कर लोग, लोगे। सुन ले भाई, भाई भाई जब लोग इस्लाम नहीं लाए थे उसके पहले नबी बहुत सारे आए, ईसा आए, मूसा आए, हारून आए, जकरिया, यहाया, नूह, ये सब अपनी बहनों पर चढ़ा करते थे ना। भाई मैं, मुझे उनकी जानकारी नहीं है, लेकिन दीनी भाई के ऊपर डाउट है मुझे। रहा उसकी जानकारी नहीं है, दिनी भाई पर मैं डाल रहा हुआ। जो आदमी ये कह रहा है कि मेरा मन किया छोड़ दिया है, तो क्या वो प्याले उसका भाई, मन प्याले करेगा भाई, तो चढ़ जाएगा? प्यारे भाई, आपके इब्राहिम, ईसा, मूसा, याकूब, यूनुस, ये सारे के सारे अपनी बहनों पे चढ़ते थे, क्योंकि उस जमाने में तो कुरान था ही नहीं। आपने कहा ना कि कुरान इजाजत नहीं देता, उनके जमाने अच्छा में कुरान नहीं था, तो वो अपनी बहनों पे चढ़ते थे। साजिद इमाम, कुरान जो है, इसी को मैं थोड़ा और एक्सटेंड करूं। नहीं आप ये देखें, जब अल्लाह ने इजाजत दी थी तो हाबिल काबिल अपनी ही बहन के चक्कर में दूसरे एक 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 ने दूसरे का मर्डर मार दिया, ठीक है। नहीं नहीं जैसे ही दीनी इस भाई, बंदिश से लफ्जों बरी थे, दीनी भाई, लफ्जों का करेक्शन, हाबिल और काबिल अपनी सगी बहनों पर चढ़ने के लिए एक दूसरे का कत्ल मारती है, हाँ चढ़ने का लफ्ज बिल्कुल, इस्तेमाल करें। अरे क्योंकि एक भाई, लड़का एक लड़की साथ में रहता होते थे, हुआ मैं तो कुछ। चले साफ आप कहता हूँ, जो एक्स मुस्लिम है उनका मैनुअल क्या है, उनकी किताब क्या है, क्या किताब है आपके हम, मेरी किताब पास? सरिता भाभी, ठीक अच्छा चल ठीक आप लोग बताओ, एक किताब जिसमें आप है। जेर जबर पेश तक नहीं बदल पाए, वो ओ किताब भाई मेरी जब आप किताब है सरिता भाभी, उसको, हर साल नहीं अच्छा आती और है। इसी को फर्दर एक्सटेंड करते हैं। ये जो भाई साहब हैं, ये जो भाई साहब हैं, इसको फर्दर एक्सटेंड करते हैं। ये जो भाई साहब, अरे अच्छा कौन अच्छा आदमी उस है, ऐसी पे बात को 10 बार भी बोल रहा बात है? कर लेते हैं इसको। अरे दवाई खाई है शाम वाली अपनी? फौजी सॉरी, आप फौजी लोग आवाज आ रही है मेरी? साहब, अजी आ रही रुक जाए, लेकिन अभी ये थोड़ा हम लोगों से ही बात करना चाहते, तो थोड़ा मैं ही बात कर लूँ इनसे। अशफाक अरे भाई चले इनको हम भेजिए, देखें। अभी से बोल रहे हैं दवाई खा लें अपनी, ठीक है, अरे दवाई स्किप कर ठीक है देते हैं। भाई, चले साहब आवाज आ रही अशफाक मेरी? भाई जी आ रही, आवाज आ रही हजरत, ठीक है। आप तो बताओ, अशफाक इससे भाई, बेहतर कोई किताब है, इससे कोई बेहतर किताब है दुनिया में? अरे इससे बढ़िया किताब है सरिता भाभी वाली। यार, अब बकवास होता है करोगे तो क्या बात होगी। हद है यार, किसी किताब का नाम बताओ जो इससे बेहतर है, या इस तरह की कोई तुम आयत बना सकते हो, इसका चैलेंज कभी एक्सेप्ट करोगे? भाई देखें चंपक अभी चाचा मैं की रोचक दो कहानियां पढ़ी है भाई आपने? चंपक अरे चाचा की रोचक कहानियां, अशफाक भाई, भाई चंपक आप चाचा की लोगों रोचक कहानियां तकलीफ पढ़े हो कि क्या नहीं? है, आपके हर ऐतराजात का जवाब है ये मेरे पास, बंदा फैज लोग भाई देख रहे हैं, ये आपको मुझसे एक भजन टॉपिक भी पर टिक नहीं रहा, करेंगे कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। अच्छा भाई आप ही ने कहा भाई। था ना कि आप हाफिज हैं। इमाम साहब, तो नहीं, थोड़ा बिल्कुल दीनी भाई मैंने को नहीं अपनी बोला बात था, कंप्लीट कर लेने दो। मैं एक अदना सा मोमिन हूं जो आपको चेकमेट कर दूंगा। नहीं तो आप अदना सा से पदना सा बनने वाले हैं, जरा इस आयत को पढ़ें मैंने जो सवाल हजरत। पूछा था दीनी भाई, उसको जवाब नहीं दिया आपने। मैंने पूछा था कि अगर आप कह रहे हो कि आपने मतलब ऐसे ही इस्लाम छोड़ दिया, तो क्या अगर ऐसे ही आपका मन करेगा तो आप अपनी बहन पर चढ़ जाओगे? इसका जवाब दो। इसका जवाब मैं दूंगा दीनी इसके भाई, इसके बाद आयत पे आओगे ना आप? मुसलमान। इसके बाद आयत पे आगे पहले पूछ तो लें, आएंगे इसके बाद। अरे दो, हाँ, दीनी भाई अरे रुके भाई तो मैं हमें भी तुम्हें थोड़ा लेकर। सवाल करने दो। अशफाक भाई, क्या मुसलमान अपनी बहनों पे चढ़ते हैं, सगी बहनों पे? अरे सवाल का जवाब सवाल नहीं होता मेरे बच्चे, सवाल आप का जवाब ही दे रहा हो जवाब ना यार, जवाब है। आपके आपके नहीं सवाल सवाल का जो जवाब है वो मेरी इसी बात में का छुपा है। नहीं, तो इस तरह से अरे आप सवाल प्याले भाई, पूछोगे तो फिर जवाब मैं भी दे रहा हो सवाल ना यार, प्याले करूंगा, आप भाई, सवाल क्या मुसलमान अब करोगे तो मैं भी सवाल करूंगा, फिर मजा नहीं आएगा ना। आप जवाब दो, फिर उसके बाद सवाल करो, जवाब ही है, क्या बात है? जवाब है,
जवाब है ना, चलो ठीक जवाब है, दे रहा फिर हूं। जब आप मुझसे सवाल करोगे तो मैं भी सवाल अबे करूंगा, आप सुन, बोलूंगा ये तो जवाब ही है। मतलब सुनने की हिम्मत नहीं अब? अच्छा क्या बोल रहा हूँ मुसलमान फिर। अपनी सगी बहनों पे चढ़ते हैं? अच्छा ठीक है, मेरा सवाल अभी भी वही है कि क्या एक्स मुस्लिम पहले ये तो बता दे यार, अपनी। यार बंदा छोटी सी बात का जवाब नहीं दे रहा। क्या मुसलमान अपनी सगी बहनों पे चढ़ते हैं, हाँ या ना? तुम चढ़ते हो अपनी सगी भाई बहन पे? तुझे अपने सवाल का जवाब की इतनी जल्दी है, लेकिन जो पहले यार सवाल पूछा गया है उसका जवाब नहीं ये दे रहा नहीं है, मानेगा भाग यार, ये रहा है। जूते खाने वाले काम है यार। क्या मुसलमान अपनी क्या सगी बहनों पे चढ़ते हैं? एक्स मुस्लिम मुसलमान कभी नहीं यार करते, देगा लेकिन जवाब वो अब जवाब हराम नहीं जवाब नहीं देगा। देने वाला, लेकिन नहीं देने तू वाला। बता जो होता है कि तुम्हारे इसे थोड़ा पास। बैक स्टेज डाले, बैक अबे स्टेज डाले निकल, थोड़ा सा। अरे मैं निकाल दी। यार जब मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे इसी सवाल का जवाब दूंगा, और ये देखें मेरे सवाल पे आएगा ही नहीं। सीधी सी बात है, अगर किसी भी आम इंसान से पूछो क्या तुम अपनी सगी बहन पे चढ़ते हैं, वो मना बोलेगा। जाहिर सी बात है, मुसलमान भी यही करेगा। लेकिन क्या हाबिल और काबिल मुसलमान थे इमाम साहब या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, आदम के बच्चे थे दोनों। हाँ, आदम असलाम नबी थे, और नबी के बच्चे भी मुसलमान थे, और दोनों ही बिल्कुल मुसलमान हाबिल और काबिल अपनी सगी बहन पे चढ़ रहे थे। उसका क्या जवाब है आपके पास? मेरे बच्चे तुम्हें सब पता है कि मैं तुम्हें कहाँ लाना चाह रहा हूँ, इसीलिए तुम भाग रहे हो। मेले चवाल का जवाब, मेले चवाल का जवाब। बेटे जिस सवाल पे तुम जा रहे हो वहीं जाके ठोक रहा हूं मैं तुम्हें, आई समझ? मेरे बच्चे बड़े बड़े दावा करने वाले बहुत से आए और अपनी बुंड बरवा के भाग गए। ठीक है, अब मेरे सवाल ये का आया जवाब तो बात कर बुंड ले भाई, अशफाक, और LUND पर आ गया, इसके पास जवाब नहीं है। अब भाई अशफाक भाई तुम्हें धक्का आया तो देगा, बात बैन कर करूं ले, या जवाब दोगे? हाँ जो देखो दीनी भाई ने आयत निकाली उस करो पे बात करो करो। करो यार, जल्द सवाल करो। तुम लोग का जो होता है दम नहीं है देखिए जवाब देने अब का, आप सवाल करो। देखे हैं अशफाक भाई, आपके सामने आयत मौजूद है और हम अपनी जिस आयत को मनसूख कर देते हैं या भुला देते हैं। ठीक है, अभी अल्लाह मियाँ हुजूर को याद कराने की जिम्मेदारी ले रहे थे, यहाँ खुद के खाने खराब हुए पड़े हैं, क्या चक्कर है भाई? अच्छा फिर से एक बार पढ़े उसका ट्रांसलेशन। हम अपनी जिस आयत को मनसूख कर देते हैं या भुला देते हैं। ठीक है, अभी किस अल्लाह कॉन्टेक्स्ट मियाँ में बात हुजूर को करो? याद कराने की जिम्मेदारी ले रहे थे, अभी खुद के होश गायब हैं। सर इसका कॉन्टेक्स्ट पढ़े ना, इसका असबाब ए नज़ूल समझे ना। आप जो है एक अबे पढ़े लाइन सर, को, एक आपने इसका आयत असबाबुल को नुजूल पढ़ पढ़ा है? कर आप पढ़े ना। आपने नहीं पढ़ा है ना, तभी ना आप कंफ्यूज हैं। मैं बता रहा हूं ना, मैं पूछ रहा हूं इसलिए ना। आपने पढ़ा है? मैं तो पढ़ रखा हूं, आपने पढ़ा है? जी बिल्कुल मुझे पता है, लेकिन मुझे पता है कि आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अपने काम हाँ की चले, चीज पे मैं दबा आप। आपने ये बोल के मेरा मुंह ऑलरेडी बंद कर दिया। अब आप बताएं, आपने इसका क्या असबाबुल नुज़ूल पढ़ा है भाई? आप मुझे बताएं, मैं वहां पे काउंटर करूंगा कि कहां पे आप गलत हो। चलो बताओ, मैं पूरा ही गलत बोलूंगा, जिद से गलत बोलूंगा, जबरदस्ती गलत बोलूंगा। अब आप बताएं आपने क्या सही पढ़ा है? तो फिर जब आपको इतनी सी जानकारी नहीं है तो मैं आपसे फिर बात क्यों करूं भाई? यही दिक्कत होती है इमाम साहब की, मतलब ये लोग खुद कुछ नहीं पढ़े होते हैं, एक रत्ती बराबर नहीं पढ़े होते हैं, बस दूसरों पे इल्जाम तराशी करने को कह दो। सही कहा पढ़ना भी नहीं बिल्कुल। आ रहा दीनी भाई, पढ़ना भी नहीं आ रहा कि सामने क्या लिखा है, पढ़ तो ले कम से कम। आपके हुजूर आज कुछ बोलते थे तो कल कुछ बोलते थे, तो इसपे काफिरों ने इल्जाम लगाया कि यार ये कैसा बंदा है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। तब आपके अल्लाह मियाँ को भी टेंशन, ठीक है, 2 बार सर सर खुजलाए और याद भेज दिए पार्सल करके। आप जो बार बार हुजूर हुजूर का नाम लेते हो अपने नापाक जुबान से, आप जानते हो आप चूटी हो, चूटी, और वो माउंट एवरेस्ट है आज मेरे के बाद भाई। अब हुजूर यार हुजूर के मैं पता है कसम ना, से, एक अरे मिनट एक मिनट एक मिनट, दीनी भाई माउंट एवरेस्ट है ना, पता है ना माउंट एवरेस्ट पर कितने बंदे चढ़े थे? अब बराबर चढ़ते आए हैं। अच्छा हाँ, आप और चूटी सारे हो, काफिर चूटी चढ़े जाते हैं, सारे हो ना? काफिर चढ़े हैं माउंट एवरेस्ट पर।
लो ओके ये बात भी समझेगा तो वो दीन लाए हैं जाटों की ना, सवारी सुनी है? दीन तो ये दीन में देखो दाखिल हुरूल भी भाई ने बता तो दिया, है। पांच जाट चढ़े थे। हाँ अरे भाई वो दीन में दाखिल भी हुए हैं। दिन में दाखिल चढ़ने के बाद चढ़वाया ओ यार बंदा वो समझ नहीं रहा चढ़े अभी और उसके बाद दीन में दाखिल हो गए लाहौल वाला कोच तो ला बिल बिल्ला। दिल में दाखिल नहीं हुए तो बिल में दाखिल किया था ऐसे बोलो। आप जानते हो आपकी कोई औकात है, आप किसका नाम ले। चल निकल, ये बहुत हो गया माउंट एवरेस्ट पर बहुत लोग चढ़ चुके हैं यार, जाके पहले पता करना, पांच जाट के बारे में पता कर लेना। अभी गाना चलने वाला था, औकात देख का बगले, ठुकरा ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे हैं।